उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता कितना पसंद करती है ये किसी से छिपा नहीं है। भले ही वो यूपी के सीएम हो, लेकिन जनता मोदी के बाद उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। तमाम न्यूज चैनल्स कई सर्वे करवा चुके हैं जिसमें मोदी के बाद अगला नाम किसी और का नहीं बल्कि योगी का ही सामने आता है। योगी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जिससे साफ होता है कि जनता उन्हें बहुत पसंद करती है और भरोसा भी करती है। खास बात यह है कि योगी जब से यूपी के सीएम बने हैं उन्होंने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। योगी का काम करने का तरीका भी अलग है और उनके तेवर भी, बुरे लोगों के साथ बुरा और भोली भाली जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। अब देखिए ना, भले ही विरोधी सीएम योगी पर कितना भी तंज कस ले, आरोप क्यों ना लगा ले, भले ही सीएम पर मुसलमानों के साथ भेदभाव के कितने ही फर्जी कहानियां क्यों ना गढ़ ले, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच कभी किसी से छिप नहीं सकता। यही वजह है कि गाहे बगाहे सीएम योगी की तरफ से मुसलमानों के लिए ऐसे ऐसे ऐलान किए जाते हैं, ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जो विरोधियों को करारा जवाब देते हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें योगी बुर्का पहने महिलाओं की फरियाद को सुन रहे हैं। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर कहेंगे योगी सबके लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया पर घूम रही इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि सीएम योगी खुद खड़े हैं और फरियादी आराम से कुर्सी पर बैठकर अपनी फरियाद सुना रहे हैं। अमूमन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब फरियादी बैठे रहें और सीएम साहब सामने खड़े होकर परेशानी खुद सुन रहे हों और कह रहे हों आप घबराइए मत, मैं हूं ना। लेकिन तभी तो कहा जाता है कि योगी का स्टाइल सबसे हटकर है। ट्विटर पर इस वीडियो को वसीम आर खान ने शेयर किया और लिखा, सेवक द्वारा जनता का आदर, बिना पुष्टिकरण के सशक्तिकरण, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सामने आए इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, ही इज ए ट्रू योगी, फेयर एंड जस्ट। आप भी एक बार फिर से ये पूरा वीडियो देखिए। दरअसल ये वीडियो गोरखपुर में लगाए गए जनता दरबार का बताया जा रहा है। बताते चले, यूपी के सीएम योगी अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम नेता ये आरोप चस्पा करते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव यूपी में होता है, लेकिन सामने आया वीडियो कुछ और ही तस्दीक करता है और विपक्षियों के मुंह पे तमाचा है। बहरहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि ये वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।